बुरा है न मुसलमान बुरा है, जहन हो जिसका गंदा वो इंसान बुरा है। जो पिलछना भी खा गया बुड्ढो की तो कहाँ दे देगा वोट कोई बुड्ढा। इमरान मसूद का जो है इतना क्रेज नहीं, क्योंकि उनके मामले ऐसे हैं कभी कैसा भाषण देते हैं कभी कैसे देते हैं। इमरान मसूद इससे बीजेपी आता है उसे सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं आता तो भेजो पर इलेक्शन अबे सारे आने टांगा भींचने, हर जब इलेक्शन में तो कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता कहाँ रहे। आज फजल रहमान के बस का कुछ नहीं है, कोई काम ही नहीं करे, ना सुने ना उनकी आवाज़ पे जाए तो वहाँ नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेहट विधानसभा में, जहाँ के मौजूदा विधायक हैं नरेश सैनी। जनता से सवाल होगा, आखिर क्या इस बार की जनता द्वारा से नरेश सैनी को मौका देगी या फिर सपा या भाजपा में से कोई आएगा? क्या लगता है आपको इस बार नरेश सैनी जी 2000 में यहाँ से विधायक बने गठबंधन के तौर पे, इस बार भी उन्हें बना रहे हैं क्या? देखिए सर, अगर नरेश सैनी जी गठबंधन में आते हैं जैसे पहले आए थे तो शायद सीट मिलने के अनुमान है। जैसे समाजवादी अलग है और ये अलग है और ये अलग है, ऐसे आएंगे तो सीधे महावीर राणा जी अगर आ रहे हैं मैदान में यहाँ से तो सीट बीजेपी निकाल ले जाएगी। फिर तो बहुत अच्छा है, अगर इमरान मसूद आता है तो उनसे जुड़ा हुआ जो है जो और पार्टी से, फिर तो उसमें एक मजबूत जान पड़ेगी। अगर बीजेपी इमरान मसूद जुड़ा हुआ तो वो ट्रम्प से सपोर्ट करेगा, तो शायद हो सकता है कि सीट ले जाए इमरान मसूद साहब। अगर नरेश सैनी जी आते हैं तो वो पहले वाली लाइन नहीं आएगी, अगर इमरान मसूद जी खुद आएंगे तो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कभी नहीं टूटते इमरान मसूद के। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या रहा भाई साहब इस बार नरेश सैनी जी ने काम किया बेहट विधानसभा में। जब कोई आवे तो वो काम ही के लिए आवे, जब कोई आता है तो काम के लिए आता है, काम ही करने के लिए आए। तो काम किया नरेश सैनी जी ने? नहीं कर रहा है, सब काम कर रहा है। अच्छा, इस बार इमरान मसूद का भी कहा जा रहा है कि वो बेहट विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? अगर इमरान मसूद जब बाहर आएंगे तो वो इमरान मसूद को भी मिल सकता है चांस, हो सकता है। लोकल नेता है यहाँ के उमर अली खान सपा से जो है, उनका क्या रहेगा फिर अगर इमरान मसूद को इमरान मसूद रहेंगे तो? फिर तो हम अपने उन्हें भाजपा वालों को जिता लेंगे और क्या होगा। क्लियर नहीं है, और भी लोग हमारे साथ उनसे जानेंगे क्या लग रहा है बाबा जी इस बार नरेश सैनी जी ने काम किया बेट के अंदर। हाँ, इन्हें बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया काम हो रहा। अच्छा, जो बेहट के मुसलमान है उनका पसंदीदा चेहरा कौन है? कांग्रेस से इमरान मसूद है, बसपा से हाजी फजलुर रहमान है, सपा के उमर अली खां है, दोनों ही रले मिले चल रहे थे यहाँ तो बराबर सही है, कांग्रेस का भी और सपा का भी। किसकी उम्मीद लग रही है इस बार, क्योंकि गठबंधन में तो कोई नहीं लड़ रहा, कोई भी क्या कह रहे भाई साहब? ये कर रहा भाई, जो पिलछना भी खा गया बुड्ढो की तो कहाँ दे देगा वोट कोई बुड्ढा। किन्ने खाई पिलछना? लोगी ने खा दी सारी मारी पिलछना। तो ये लोकल में आप लोकल की बताइए ना, लोकल में नरेश सैनी जी ने काम करा? किसी ने कोई काम करा लेके अपने घर बैठ गया, हाँ कोई नहीं काम करता, खून चूस रहे गरीब का बस आगे हद है। इमरान मसूद का भी तो वोट बैंक माना जाता है, सारे बैंक बुक किसी के नहीं है, ऊपर वाले से पूछो कौन सा बैंक है। अच्छा, क्या लग रहा है? हम तो मोदी का युग युग देख जो देते नहीं ईमानदार से, मोदी को देंगे जी हाँ। तो भी चुनाव भी तो आने वाले, उसमें किसे कोई भी हो जो बीजेपी आवेगा उसी देगा वोट। अच्छा, योगी भाई साहब क्या लग रहा है इस बार नरेश सैनी? 99% योगी आ रहे हैं, 99% योगी तो आ रहे हैं यूपी में। लोकल की बताइए, नरेश सैनी जी विधायक रहे यहाँ के, गठबंधन से उन्होंने काम किया? भाई हमें तो ऐसा लगता है, हमारे समझ तो कोई काम नहीं आया ऐसा यहाँ। फिर उमर अली खां सपा से टिकट मांग रहे हैं, अगर उन्हें टिकट मिल जाता है क्या बेहट से सीट निकाल पाएंगे वो? निकाल पाएंगे, विकास कराओ उन्होंने, उमर अली खां जी ने विकास कराओ। लेकिन इमरान एमएलसी बनने के बाद बहुत विकास करा उन्होंने, वे एमएलसी बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी लगा सकते थे अपनी निधि अपना पैसा, मगर उन्होंने बेहट में ही लगाया ज़्यादा, बेहट विधानसभा में। लेकिन इमरान मसूद की भी तो बात चल रही है कि वो भी बेहट से चुनाव लड़ सकते हैं। इमरान मसूद का जो है इतना क्रेज नहीं है, क्योंकि उनके मामले ऐसे हैं कभी कैसा भाषण दे देते हैं कभी कैसे देते हैं, तो इसलिए उमर अली खान बेहतर है उनसे। कुछ लोगों का ये कहना है अगर इमरान मसूद को टिकट मिल जाता है, इमरान मसूद बेहट से चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू एक तरफ हो जाएगा और मुसलमान एक तरफ हो जाएगा और भाजपा अपनी सीट निकाल लेगी। वो करते हैं ना ऐसा, इमरान जी करते हैं ऐसा, उमर अली ये तो जुड़ी हुई पब्लिक है, जो इमरान मसूद से जुड़ी हुई पब्लिक वो उसके साथ है, वो टूटती नहीं है। और जो रही उसकी, अगर ये पहले गठबंधन में आए थे नरेश सैनी जी तो सीट निकाल लेगा, अगर इस बार गठबंधन में ना आए मतलब कांग्रेस तो सीट निकालना तो भारी है ही। गठबंधन में ना आए तो कौन सीट निकाल सकता है, क्योंकि उमर अली खान ये तो कह रहे विकास करा है उमर अली खान ने। इधर तो ये आ रहा है, उधर बसपा हो गई और उधर समाजवादी हो गई,
यहाँ पे विधानसभा बैठ में क्या कहते हैं 70% मुस्लिम है, हाँ। मानते हैं 70%, लेकिन जब 20-20% बचेगा तो कितना परसेंट बचेगा? 30% उनके पास, 70% में आप क्या करोगे? तो आपको ये लग रहा है अगर 20-20% भी है तो विधानसभा में मुस्लिम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल फायदा होगा। इस तरह अगर महावीर राणा जी आते हैं, उनका मुस्लिम पक्ष भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पक्ष नहीं है, महावीर की एक मजबूत मुस्लिम पक्ष भी है। अगर ये 20-20% चले जाएंगे, 80 तो वैसे हो रहे हैं चार जगह। अच्छा, अभी आप ओवैसी की बात कर रहे थे कि ओवैसी अगर चंद्रशेखर के साथ आ जाते हैं तो यहाँ से चंद्रशेखर भी जीत सकते हैं कह रहे थे? चंद्रशेखर तो नहीं जीत सकते, लेकिन यह है मुस्लिम पक्ष के जितना वोट है उसमें सेंध लगा देंगे। अच्छा, सेंध लगेगी तो बीजेपी को फायदा होगा सीधा। तो कहीं ना कहीं इस बार भी भेंट विधानसभा से क्या गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए क्या अगर भाजपा को हराना है तो? देखिए, बीजेपी यहाँ से एक सीट पे हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, बीजेपी सरकार का, ये पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। एक सीट पे से हम क्या दावा कर लेंगे? अगर हम एक सीट इमरान को या समाजवादी को जिता देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का दावा थोड़ा ही ना ठोक सकते हैं हम। बीजेपी से इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं हट के? काम बढ़िया हो रहा जी। क्या क्या बढ़िया हो रहा? सब कुछ बढ़िया हो रहा, घर भी आ रहे, सिलेंडर भी आ रहे, अनाज मिल रहा, कोई हमें दिक्कत नहीं, ना कोई पुलिस हमें तंग कर दी, अमीरों तंग कर दी सब लोग। हम तो बीजेपी को देख, बीजेपी के आदमी सिद्ध है, बीजेपी के आदमी हैं आप, लेकिन इतने मुस्लिम चेहरे आपसे यहाँ मुसलमान भी उसी साथ जा रहे, होटल लाइन खत्म हो ली, बहुत फायदा होगा मुसलमान लोगों इससे। इतने मुस्लिम चेहरे आस लगाए बैठे हैं इमरान मसूद कांग्रेस से कि वो यहाँ से विधायक? इमरान मसूद इससे बीजेपी आता है उसे सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं आता दफे हो जाओ पर। ओवैसी का क्या कहेंगे? ओवैसी इमरान साहब जो हैं वो तो आज तक जीते ही नहीं यहाँ से, एक बार जीते हैं, तो आगे वो कैसे उम्मीद कर लेंगे इमरान साहब जीत जाएंगे? तो फिर वो लड़ते क्यों है चुनाव? मतलब अभी बात चल रही है कि इस बार भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर उन्हें हारते हैं तो यहाँ से? नहीं, चुनाव लड़ने का अपना हक है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है, चुनाव लड़े लेकिन जीते तो नहीं है, जीते तो अपनी वजह है, नुकड़ से इलेक्शन लड़े थे वहाँ से अपनी सीट खुद हार गए थे वो। नरेश सैनी जी जीतते हैं, नरेश सैनी जी अपने बलबूते पे जीतते हैं, मुस्लिम वोट उनका साथ था। अच्छा, रही बात इस बार, जैस बार तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से भी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन कहा जाता है कि उमर अली खां पिछली बार तो जो है गठबंधन में कांग्रेस के विधायक, उन्होंने नरेश सैनी जी को बनवा दिया, लेकिन इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, तो हो सकता है उमर अली खां जीत जाए सपा से? उसका भी लंबा नहीं, उमर अली खान कैसे जीत जाएंगे जी? उमर साहब जो है पहले नहीं जीते यहाँ से, तो जो है उनके ऊपर वो वहाँ से कैसे जीत जाएंगे? उनका तो जो है अलग अलग लड़ेंगे, अगर गठबंधन में लड़ते तो चलो हम मान भी लेंगे कि भाई वो जीत गए, लेकिन वो अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ के जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा निकाल लेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी काम करे हुए हैं तरक्की के भाई साहब, जिन लोगों के मकान बने, जिनको राशन मिल रहा, जिनकी पेंशन आ रही, वो लोग तो उनको देंगे। बाबा जी तो कह रहे हैं कि बेट के अंदर मकान बने, सरकार मकान बन गए, सब कुछ बन गया, सब कुछ दिया, मगर बुढ़ो की बिलसना क्यों खा दी उनने? मतलब आपको अपनी खाली मारी तो बुढ़ो की बिलसना, हम तो महीने रहा जान, हम तो बीजेपी का आदमी बस। तो जाते ना यहाँ के जो भी विधायक नरेश सैनी जी के पास जाते हैं, सारे अपने घर बैठ जा भाई, एक भी है नहीं यहाँ, वोट दे के भाग जा बस। ये तो कह रहे थे अभी उमर अली खान जी ने बहुत विकास, बकवास है सारे, सब बिल्कुल बकवास, ईमानदारी बताइए कोना में इलेक्शन आवे सारे आने टांगा भींचने, हर जब इलेक्शन में तो कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता कहाँ रहे। तो इस बार किसे वोट दे रहे हैं हम? किसे विधायक बना रहे हैं यहाँ से? जो बढ़िया आदमी होगा हमारी पिलसना भेजेगा उसे देंगे वोट। चलिए बढ़िया आदमी को मैं बता देता हूँ, इमरान मसूद कांग्रेस से है, वो भी मुस्लिम चेहरा है, आजी फजलुर रहमान बस देखते हम से ईमानदारी देखे, इस बार बैठ का मुसलमान मुस्लिम नहीं देखेगा ईमानदारी, योगी वाले योगी को देंगे वोट। हाँ योगी है, क्या लग रहा है इस बार बैठ से किसकी जीतने की उम्मीद लग रही है? भाई साहब इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि एक दो अल्फाज हैं, सिर्फ दो अल्फाज कहना चाह रहा मैं, और कुछ नहीं कह रहा, दो अल्फाज कहना चाह रहा और कुछ नहीं कह रहा। हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जहन हो जिसका गंदा वो इंसान बुरा है। बस अभी तो नरेश सैनी रहे विधायक यहाँ के, उन्होंने काम किया कि नहीं किया? इससे तो कोई संतुष्टि नहीं है फिलहाल के हिसाब में, पर जो राज्य सरकार अभी तक है उसका कार्य अच्छा है, चाहे वो लाइट विभाग से है या क्राइम विभाग से है, तो सभी का कार्य बहुत अच्छा है। जी क्या कह रहे हैं? जी फजल रहमान के बस का कुछ नहीं है। क्यों जी ऐसा क्यों? कोई काम ही नहीं करे, ना सुने ना उनके आवाज पे जाए तो वहाँ नहीं मिलता। किसके बस का है बताएंगे? नरेश सैनी जी ने काम किया? नरेश सैनी जी ओके ओके है जी, ओके। इस बार कौन ओके हो रहा है यहाँ से? समाजवादी।
समाजवादी माने उमर अली खान जी। ओके है बिल्कुल, उमर अली खान जीतेंगे, उमर पक्के जीतेंगे जी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बिल्कुल जीतेंगे उमर अली खान जी, उमर अली खान 100%। चलिए ये थे हमारे साथ बैठ के लोग जिन्होंने बताया आखिर वो इस बार बैठ से किसे जीता रहे। आगे खबरों के लिए बने रहिएगा बीजेटी न्यूज के साथ, तो प्रशांत दीवान सहयोगी अक्षय के साथ नमस्कार। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।